इसराइल हमास युद्ध के बीच उत्तरी इसराइल हर घड़ी हवाई हमलों की आग में जल रहा है। इस पूरे इलाके में हिजबुल्ला का खौफ इस कदर पसरा है कि जो बचे कुचे इसराइली सेटलर्स यहां बसे हैं वो भी अब पलायन करने को मजबूर हैं। हिजबुल्ला अपने रॉकेट, ड्रोन और मिसाइल हमलों से उत्तरी इसराइल को हर पल दहला रहा है। इसराइली सेना ने हिजबुल्ला को कई बार सीधे युद्ध की चेतावनी दी है, लेकिन उसके बावजूद हिजबुल्ला टस से मस नहीं हुआ है, बल्कि वो उत्तरी बॉर्डर पर इसराइल की पकड़ को ढीला करने के लिए और ज्यादा हावी हो चुका है। और अब इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने इसराइल पर एक बेहद ही भयानक हमला किया है। दरअसल हिजबुल्ला की ड्रोन फोर्स ने तबारिया लेक के उत्तर पश्चिम में अमायद बेस पर ड्रोन का एक जत्था फायर किया। IDF का ये सैन्य अड्डा लेबनान बॉर्डर से करीब 18.5 किलोमीटर दूर है, जहां से इजरायली सेना पीछे हटी है। इसके अलावा ये बेस नॉर्दर्न कमांड की रिजर्व का हेडक्वार्टर भी है, साथ ही यहां पर IDF की 91वीं रिजर्व डिवीजन का ठिकाना भी है। बड़ी बात यह है कि हिजबुल्ला का यह हमला कितना भीषण था, इस बात की पुष्टि अब इजरायली मीडिया ने भी कर दी है। इजरायली मीडिया के मुताबिक हिजबुल्ला का एक ड्रोन तो इजरायल के कम 20 किलोमीटर भीतर तक चला आया और 15 मिनट तक इजरायल के हवाई क्षेत्र में मंडराता रहा। यहां तक कि इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम भी इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। हालांकि जब ये ड्रोन हमला कर रहा था उस वक्त हिजबुल्ला ने नेवेजीव में इसराइल की 282वीं आर्टिलरी ब्रिगेड की 411वीं बटालियन पर भी गोला बारूद फायर किया था। आपको बता दें कि इस सैन्य अड्डे पर IDF की आर्टिलरी ब्रिगेड का कमांड हेडक्वार्टर है, साथ ही मौजूदा समय में यहां पर गोलानी ब्रिगेड भी तैनात है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि हिजबुल्ला ने एक साथ दो ऐसे सैन्य अड्डों पर हमला किया है जिनके बीच की दूरी करीब 20 किलोमीटर है। और इस हमले के अलावा भी हिजबुल्ला ने IDF के अल रामथा सैन्य अड्डे पर हमला कर दिया। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने यहां पर IDF के जासूसी उपकरणों को तबाह कर दिया है। और इस हमले के ठीक बाद हिजबुल्ला ने जलाल आलम साइट पर एक आत्मघाती ड्रोन से हमला किया, जिसका वीडियो फुटेज भी हिजबुल्ला ने जारी किया है। लेकिन इन हमलों के बीच इस इलाके में रहने वाले इजरायलियों का सबसे ज्यादा बुरा हाल है। यहां रहने वाले लाखों सेटलर्स हर घड़ी हिजबुल्ला के हमलों के खौफ में जी रहे हैं। साल 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी इसराइल में करीब 15,30,000 लोगों की आबादी रहती थी, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद करीब 2,00,000 लोग अपने घरों से विस्थापित हुए हैं। इसको लेकर हिजबुल्ला के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने भी इसराइल को बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हर दिन हम सुनते हैं कि इसराइल विस्थापितों की घर वापसी के लिए अपने हमलों का दायरा बढ़ाने की धमकी दे रहा है। हम उनसे कहते हैं कि अगर आप शरणार्थियों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो आप युद्ध छेड़ सकते हैं। हिजबुल्ला के साथ एक नया युद्ध विस्थापित लोगों को वापस लाने में मदद नहीं करेगा, बल्कि उनकी संख्या में इजाफा करेगा। हम इसराइल को एक कड़ा जवाब देंगे और हमारे खिलाफ युद्ध शुरू होने की स्थिति में युद्ध के मैदान को नहीं छोड़ेंगे। और इस सब के बीच ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हिजबुल्ला इसराइल के आगे रत्ती भर भी झुकने को तैयार नहीं है, बल्कि वो लगातार इसराइल से कह रहा है कि अगर उसने युद्ध छेड़ा तो ये आग से खेलने के बराबर होगा।